क्या करेगा वो, हमें एक तो वैलिड होगा फॉर इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिंग, सेकेंडली वो हमें फाइनाइट डिफरेंस टेबल का यूज उसमें नहीं हमने देखा था। विदाउट यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस टेबल हम लोगों ने एक फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया था, हमने नहीं लैग्रांज ने कंस्ट्रक्ट किया था और उसको हमने यूज करना सीखा था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम यहाँ साइट पे मैं रेफर करती हूँ, ये जो आपके सामने स्लाइड्स 2-3 पेजेस पे शो हो रही है ये सिर्फ एक ही टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये यहाँ तक जो जितना मैं आपको मूव करते हुए नजर आ रही हूँ ना स्लाइड्स, यहाँ तक इवन एग्जाम्पल से पीछे पीछे ये जितनी भी कहानी है मैं आपको साइड पे समझा देती हूँ। सिर्फ टेबल मेरे पास पेज पे जगह नहीं थी इतनी, बाद में मुझे हुआ कि मुझे हॉरिजेंटली मतलब पेज का व्यू जो है वो चेंज कर देना चाहिए था और बना लेना चाहिए था, बट मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि ये टेबल है क्या, किस तरह से बनता है। तो आप भी अपने पास क्या करें, इसको बना लें, बिकॉज ये बुक का टॉपिक नहीं है, बुक में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला नहीं दिया हुआ। तो आपने, मैंने खुद से करवा, खुद से मतलब कहीं और से करवा रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से करेंगे, ये अपने पास लिख ले सो डैट आपको पता हो कि ये आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इस तरह से इसका टेबल कंस्ट्रक्ट होता था। सो गिवन हमेशा हमारे पास क्या होगा, डेटा टेबुलर फॉर्म में, यानी कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आई गिवन होगा, एंड देन वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप वाई आई कह लें या एफ ऑफ एक्स आई कह लें, आपकी मर्जी है। वाई आई मैं एफ ऑफ एक्स आई लिखती हूँ, आप बेशक इसको वाई आई भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स आई लिख लें या एफ सबस्क्रिप्ट में आई लिख लें, एक ही बात है। ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज की बनूंगी, और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ एक अदद लाइन, और हम वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं, से दिस इज माई एक्स नॉट, ठीक है, और फिर मेरे पास होगा x1 की वैल्यू हमारे पास होगी, फिर हमारे पास x2 की तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही होगी, देन वी हैव x3 एंड x4। सो हम यहाँ पे कह देते हैं कि मेरे पास इनिशियली x0, देन वी हैव x1, देन वी हैव x2, देन वी हैव x4 एंड x3, सॉरी x3 एंड से x4, जितनी मर्जी वैल्यूज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं कह देती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा f0, यहाँ पे हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डेंस f1, f2 पुट करेंगे तो मिलेगा f3 आपके पास आएगा, एंड देन वी हैव f4, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का हमें नहीं पता, लाइक ये किस एफ ऑफ एक्स के अगेंस्ट ये वैल्यूज आ रही हैं उसके बारे में हमें नहीं पता वो क्या है। वो एक सिंपल पॉलिनोमियल है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई हाइपरबोलिक है, इनवर्स है, उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि अगर एक्स नॉट वैल्यू होगी तो उस पे f0 ये होगा। जैसे यहाँ साइड पे मैं आपके साथ पास कोई टेबल अगर ओपन करके दिखा दूं, एक मिनट, जैसे आपके पास होगा ये, जीरो है, फंक्शन की वैल्यू -6 है। अब हमें नहीं पता ये कौन सा फंक्शन है जिसमें जीरो पुट करें तो आंसर -6 आता है, मे बी एक्स -6 हो सकता है ना, फिर जीरो पुट करें, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये भी डिफाइन फिर करना चाहिए कि अगर आप 0.1 उसमें पुट कर रहे हैं तो -5.89483 आपके पास आंसर आना चाहिए, या अगर आप 0.3 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आना चाहिए -5.65014 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता कि ये वो कौन सा फंक्शन है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरपोलेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए वो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और फिर उसमें कोई वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो रेड लाइन में आपको नजर आ रही है दो चीजें, ये गिवन होंगी हमेशा, ये आपके पास होंगी, ठीक है, इनिशियली आगे आप प्रोसीड करेंगे। सो मैं यहाँ पे पहला बनाऊंगी, फर्स्ट आप इसे पूरा पूरा लिख ले, मेरे पास जगह कम है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, मेरे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे आएगा, इस तरह से मैं इसको लिखूंगी, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कंप्लीट, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस,
सो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं? आपको याद होगा फाइनाइट डिफरेंस टेबल में हम कहते हैं कि F1 - F0 यहाँ मिड में आपके पास आ रहा होता है, वो फर्स्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मेरे पास F है, लाइक फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, वो उस जब वो डिवाइडेड डिफरेंस है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, दैट इज X1 और X0। अब ये X1 और X0 आपके पास कहाँ से आए हैं? ये वो पॉइंट्स जिनका डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसको लिखने का तरीका ये है, लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस या सेंट्रल डिफरेंस एंड देन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से उससे डिफरेंट होगा, वो नोटेशन ये यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सी बुक्स में फॉरवर्ड वाली भी नोटेशन यूज कर देते हैं, विद लिटिल बोल्ड या कोई लाइन लगा देंगे उसके अंदर, तो वो कह देते हैं कि जी ये हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन है या ये उसका फॉर्मूला है। बट हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, ये बाकी जो तीन नोटेशन है आपने डेल्टा के साथ या सिग्मा के साथ जो नोटेशन पढ़ी हुई है उससे डिफरेंट है। तो हम कह देंगे कि एफ स्क्वायर ब्रैकेट X1 X0। अब ये X1 X0 आपके पास कहाँ से आए हैं? जिन फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस है, दैट इज F1 - F0। तो सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या है? 1 और 0। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 और 0। अब अगर आपको याद हो फाइनाइट डिफरेंस टेबल, तो फाइनाइट डिफरेंस टेबल में हमने क्या कहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये सिर्फ यूज होता है एफ की वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एफ नॉट को बताने के लिए, अदरवाइज इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। पूरे फाइनाइट डिफरेंस टेबल में आपको एक्स का डिफरेंस कहीं नजर नहीं आ रहा, चाहे वो डिफरेंस है, एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वो नहीं नजर आ रही होती। आप हमेशा क्या करते हैं, फंक्शन की दो कंजेकेटिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस निकाल रहे होते हैं, और आप कहते हैं कि दिस इज माई फाइनाइट डिफरेंस, जहाँ पे हम कहते हैं फंक्शन हमें दो कंजेकेटिव वैल्यूज पे डिफरेंट लाइक डिफरेंस दे रहा होता है, सब्ट्रैक्शन हम कर रहे होते हैं, दैट इज F1 - F0, F2 - F1, F3 - F2, F4 - F3। सिर्फ फंक्शन की बात होती है। जब हम कहते हैं डिवाइडेड डिफरेंस, यानी समथिंग कोई भी चीज हमारे पास उसमें डिवाइड की फॉर्म में आएगी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसका मतलब है डिफरेंस डिवाइड भी हो रहे हैं, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? एक तो यही F1 - F0, F1 - F0 डिवाइडेड बाय X1 - X0, X1 - X0, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है डिवाइडेड डिफरेंस में और न्यू और जो आपके पास फाइनाइट डिफरेंस है उसमें क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि वहां पे सिर्फ F1 - F0 होता है, और यहाँ पे आपने उसको डिवाइड कर देना है X1 - X0 से, ठीक है। और लिखने में भी अब इट डिपेंड्स, आप कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसे सेंटर में ना लिखे, इधर लिखे, लेकिन टेबल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कोशिश होती है कि आप इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें या अगर ऊपर से स्टार्ट करें वो टेबल जो भी आपकी पोजिशन है, लेकिन विद इन कॉलम विद इन रो आप इसको लिखते हैं, और उसको हम क्या कर रहे होते हैं मिड में लिख रहे होते हैं, लाइक दो फंक्शन की मिड, मैंने कहा था ना यहाँ F1 F0 के दरमियान में आप यहाँ पे उसका डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ भी ये होता है कि आप विद इन रो रहते हैं, चाहे आप फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हो, सेकंड रो से, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेकंड रो से स्टार्ट कर लो, लेकिन अगेन कोई जरूरी नहीं है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस? एफ और किस किस के दरमियान में होगा? देखिए 2 1, तो हम कहेंगे X2 X2 कॉमा X1, ठीक है। और ये किसके इक्वल होने वाला है? ये हमारे पास इक्वल होगा फंक्शन का डिफरेंस F2 - F1, F2 - F1 और डिवाइडेड बाय X2 - X1, ये F1 डिवाइडेड बाय X2 - X1, ठीक हो गया। अब जल्दी से मुझे बताएं ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा? एफ X3 कॉमा X2, जल्दी से मुझे बताएं ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा?
हाँ जी मैम एफ थ्री ये माइनस एफ F3 टू ओवर माइनस F4 यस X2 एफ माइनस एफ थ्री X3 माइनस एफ टू डिवाइडेड बाय माइनस X2 वेरी गुड एक्स थ्री माइनस एक्स टू और सिमिलरली हमारे पास होगा एफ एक्स फोर और वाई एक्स थ्री क्योंकि अब इन दो के दरमियान हमने लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ फोर माइनस एफ थ्री डिवाइडेड बाय एक्स फोर माइनस एक्स थ्री ये आपके पास क्या है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है ठीक हो गया अब हम किस पे जाएंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आ जाए नहीं तो फिर हमें जगह चेंज करनी पड़ेगी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ठीक हो गया और इसके लिए हम कलर यूज कर लेते हैं प्योर यूज कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं चले ठीक है अब देखें सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास किस तरह से लिखा जाएगा अब आप देखिए आपके पास पॉइंट क्या है एफ ठीक है अगर आप मतलब इनसाइड देखें इन दो का डिफरेंस हम ले रहे होते थे ना फाइनाइट डिफरेंस में तो इन दो के डिफरेंस में आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट कितने पॉइंट्स आपके पास टोटल आ रहे हैं तीन पॉइंट्स कौन कौन से एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू तो हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ यहाँ पे मैं इसे किस तरह से लिख लूंगी एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट ठीक है ये इस तरह से अपने पास लिख ले आपके पास जगह होगी आप लिख सकते हैं मेरे पास जगह नहीं है मैं इसको यहाँ नीचे लिखूंगी वेयर एफ एक्स टू एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स वन एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू अब ये क्या है दो फंक्शंस का डिफरेंस वो किस तरह से आप बनाएंगे कोई जरूरत नहीं है बैक में देखने की टू वन वन जीरो कैसे होगा देखिए एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स जीरो ठीक हो गया और यही चीज यहाँ पे है एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स डॉट और अब डिवाइड किस पे करेंगे देखे डिवाइड आप किस पे करेंगे एक्स टू बाय स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये आपके पास आप खुद देखे एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस मतलब आपके पास ये कैंसल आउट हो जाएंगे मतलब दो जो कॉमन है उनको निकाल देना आपने सिंपली एक्स डॉट याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ या आप इस तरह से इसको बना लेंगे अब यहाँ ये फॉर्म बनेगी एक्स टू माइनस एक्स डॉट कहने का मतलब ये है ये इनका डिफरेंस जो सेम पॉइंट है उसको छोड़ दे ये देखिए एक्स टू माइनस एक्स नॉट और यहाँ पे क्यों लिखा है बेटा यहाँ पे ये क्यों लिखा है देखिए यहाँ आपने मैच करना है दिस इज माई एक्स टू एक्स टू माइनस एक्स नॉट आपके पास आएगा देन आपके पास इसी तरह आप आगे चलेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास वैल्यूज आती है यहाँ लिखने का मकसद ये है जैसे यहाँ पे लिखा है ना तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट इसलिए मिड में नहीं लिख रहे होते जब आप मिड में लिखेंगे ना तो ये डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट अगर आपको यहाँ से नहीं भी पता तो वो आपके लिए निकालना थोड़ा मुश्किल होगा कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट बार बार आपको देखना पड़ेगा लेकिन अगर आप इसके सामने लिख रहे हैं तो इसका मतलब है दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस इस तरह से चलता है अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा आपके पास एफ एफ और ये हमारे पास क्या होगा थ्री टू टू वन तो हम इसे लिखेंगे कैसे एक्स थ्री फिर हमारे पास क्या होगा एक्स टू फिर हमारे पास क्या होगा एक्स वन ठीक है विच इज इक्वल टू अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ इसको आपके पास टेबल में जगह होगी बड़ा सा टेबल बना लें खुले
लाइक काफी खोल खोल के उसको लिखे, तो आप क्या करेंगे, आप वहीं पे फिल कर ले, मेरे पास जगह नहीं है। तो वे क्या कर रही हो, इसे यहाँ नीचे फिल कर रही हो, x3 x2 एंड x1। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, x3 x2 x1। फॉर्मूला कैसे बनेगा, इन दो को कंबाइन कर ले और अगले दो को कंबाइन कर ले, f, देन वी हैव x3 x2 x3 x2 माइनस x2 x1 माइनस x2 x1 x2 और x1 डिवाइडेड बाय कौन से पॉइंट हो गया आपके पास, 3 और 1। x3 माइनस x1। तो देखिए पहला पॉइंट आपके पास कैसे जा रहा था, 2 0 एक छोर के ऊपर, ये फिर क्या होगा, 3 1 एक छोर के ऊपर। अगला क्या होगा, 4 2 एक, मतलब एक एक का डिफरेंस देके आपके पास ऊपर, और यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो आप लिखेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट लिखूंगी f ऑफ सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 3 3 2, तो आ जाएगा आपके पास 4 x3 x2, दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x2। मैं यहां पे दोबारा से लिख लेती हूँ, f क्या हो जाएगा, x4 x3 x3 एंड x2, ये आपके पास आ गया। इसके लिए हम किस तरह से लिख लेंगे, f x4 x3 x4 x3 माइनस माइनस f x3 x2 x3 कॉमा x2, और होल आप इससे डिवाइड करेंगे इसको, x4 माइनस या नीचे x4 माइनस x2, यहाँ पे 2 लिख ले, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये रहा x4 एक छोड़ा x2, तो यू आपके पास बनेगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। फिर इसके बाद आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे जाएंगे, मैं आपको यहाँ यही से दिखा देती हूँ कि आपके पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह से आएगा। ये इसकी जनरल फॉर्म भी लिखी हुई है, आपके पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा किस किस के दरमियान में, यहाँ से देख लें, अगर आप टेबल में दिखा देती हूँ। ओके, हमारे पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा 3 2 1 2 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 0, 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे, 3 2 1 0। सो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 0, और आएगा किस तरह, यहाँ आप दो का पेयर बना रहे थे, यहाँ आपके पास क्या बनेगा, 3 3 का पेयर, ये 3 कंबाइंड हो गए, और फिर ये मैम ये तीन। तो बहुत लंबी कैलकुलेशंस नहीं हो जाएंगी कैलकुलेशन मैम? ये से तो ही घंटे के अंदर मैम ये तो हम एक ना, ही को क्वेश्चन करेंगे सारा पेपर नहीं नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। मैम। यहाँ आपको लग रहा है ना, जैसे फाइनाइट डिफरेंस का आप टेबल बनाते हैं, दो फंक्शंस का सबट्रैक्शन ले रहे होते हैं, वही काम करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय आपके पास जो भी नंबर आ रहा है, लाइक एक दफा एक डिवीजन की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। मैम अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उसका क्या होगा? नंबर सारे काट लूंगी, पहले तो मुझे यही कहना चाहिए ना, उसकी वजह पहली बात ये है कि न्यूमेरिकल के कोर्स में जो आपकी कैलकुलेशंस होती है उनके नंबर कम रखे जाते हैं, लाइक मेथड के नंबर ज्यादा रखे जाते हैं कैलकुलेशन के कम। मैं जाती तौर पे भी इसी चीज के हक में हूँ, लेकिन कैलकुलेशन देख के अंदाजा हो जाता है कि जो मिस्टेक है वो माइनर है या मेजर है, इन द सेंस कि अगर बच्चे ने सही शुरू से ही उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम चल रही है और हर क्वेश्चन के अंदर ही ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। एक पेपर में पता चल जाता है कि प्रैक्टिस है, लेकिन इट्स क्वाइट कॉमन, हम लोग भी जब करते होते थे तो हम लोगों के आंसर आपस में मैच नहीं करते थे, तो हम कहते होते थे कि एक क्वेश्चन जो है ना वो मैच प्लीज मत किया करो, कि वो हमें टेंशन होती है पता नहीं किसका ठीक होगा। लाइक 46 स्टूडेंट ने तो
ऑलमोस्ट हर एक का डिफरेंट हो जाता था आंसर, बिकॉज आप खुद देख रहे इसमें कितनी कैलकुलेशंस है. लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पे भी कैलकुलेशंस के नंबर कम रखती हूँ, मेथड के नंबर ज़्यादा रखती हूँ. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सारी कैलकुलेशन गलत करके दे दें और आप कहें कि जी मेथड बिल्कुल ठीक है, वो मिस्टेक का पता चल जाता है ना कि कौन सी गलती जो है वो वैसे कैलकुलेशन में गलती से हो गई है या इस तरह वाला, या बच्चे को पता है तो वैसे गलती हो गई है तो इट्स ओके. तो कौन सी मिस्टेक ऐसी है जिसमें प्रैक्टिस नहीं है, वो मतलब लाइक पता चल जाता है पेपर देख के, इवन मैं आपके क्विजेज और असाइनमेंट को देख के भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि इसमें है नहीं है. आपको मजे की बात बताती हूँ, आपकी आधी से ज्यादा क्लास ने एरर एनालिसिस की असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है और नीचे अटेम्प्ट उसको किया हुआ. आई थिंक वो 0.51x³ था या 1.5x³ था, उसको लिखा ही गलत है. तो मुझे ये बताओ, अगर आपने कैलकुलेटर खुद यूज किया हुआ है, आपने क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किया हुआ है आधी से ज्यादा क्लास में, हुआ ये कि जिस बच्चे से लेके कॉपी की है आप शहजादों ने, तो आपने क्वेश्चन मैच करने की जहमत नहीं की. मसलन उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.15x³ + जो भी आपके पास यहाँ एंट्रीज आती हैं. अब आप क्या हुआ कि 0 पॉइंट बुक में और जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है उसमें ये था, सॉल्व उसने इससे किया हुआ है, लिखा उसने ये. पूरी क्लास इतनी शहजादी है देखने की जहमत नहीं की, सब ने सेम वही काम किया हुआ है. तो अब ऐसी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक को, ऐसी मिस्टेक को फिर हम क्या कहेंगे? अब ये फौरन पता चल जाता है. मैं आपकी क्लास में या इन जनरल भी, मैं आपको बताऊं, क्विजेज असाइनमेंट देख के पूरे पूरी क्लास की मेंटालिटी का पता चल जाता है. ये भी पता चल जाता है कितना इत्तेफाक है कितना नहीं है, कौन सा ग्रुप के किसके साथ इत्तेफाक है. और अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, कभी करवा के देख लीजिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि इस बच्चे की कॉपी की गई है, बाकी सारों ने यहाँ से की है. यानी आपको लगता है ना असाइनमेंट से पता ही नहीं चलता होगा, टीचर को क्या पता, तो ऐसा नहीं होता है. फौरन मतलब पता चल जाता है अटेम्प्ट करने से कि किस बच्चे ने खुद की है और किसने कॉपी पेस्ट की है. आपकी राइटिंग स्टाइल से, आपकी स्पीड से, जो आप फ्लो में जितना तेजी से लिख रहे होते हो, जो आप समटाइम्स के एक जैसा ना लगे स्टेप छोड़ दिया, वो जो स्टेप छोड़ा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीजें पता चल जाती हैं. ठीक है ना? तो ऐसा होता है. तो ये वाली कैलकुलेशन की वैसे मिस्टेक्स का नहीं है मसला, इट्स ओके. लेकिन अगेन जैसे मैंने ये बात की कि अगर ये है तो इसका मतलब तो मैं नहीं कहूंगी ना कि ठीक है. मैं मुझे उस असाइनमेंट को जीरो कर देना चाहिए था कि आप लोगों ने क्यों नहीं और से देखा. तो ये आपके पास ही है, मैं सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बता रही हूँ कि ये इस तरह से आएगा. अदरवाइज ऐसा थोड़ी ही है कि आप लोगों ने एक एक पॉइंट लेना है और फिर उसका डिफरेंस, आपके पास तो सिंपली टेबल है ना. ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अब इसी का टेबल बनाते हैं. ये देखें, ये है मेरे पास वैल्यूज 0, 0.1, 0.3, 0.61. ये क्वेश्चन समझाने की हद तक मैंने कितने पॉइंट्स आपको दिए, 1, 2, 3, 4, 5 बस, क्योंकि 5 वैल्यूज की कैल. और मैं इस यहाँ फर्दर सिंपल कर दूंगी, मसलन मैं आपको दे देती हूँ 6.1, 5.8, 5.6, 5.1, 4.2. अगली डेसिमल प्लेसेस तक जाती ही नहीं उसको, मतलब सिंपलीफाई करने की हद तक, या कोई फिक्स्ड वैल्यूज दे देती हूँ. मतलब पर्पस क्या है कि क्या इन्हें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का पता है? जब ये चीज आपको चेक करनी होती है तो फिर आप अपना डाटा सिंपलीफाई कर देते हैं यहाँ पे, इनकी कैलकुलेशन लेंथी ना हो जाए बहुत ज्यादा, जल्दी आंसर आ जाए ताकि मैं कॉन्सेप्ट चेक कर लूँ. तो अब इसमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या किया होगा, -5.89483 - 6 / 0.1, तो ये एंट्री आपके पास आई होगी. ठीक है, मतलब माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इसको डिवाइड करें. मैं पहले लिखवा देती हूँ कि ये आपने इस तरह से की होगी, सो डैट आप अगली वाली इसी को देख के कर लें. हमारी जो टीचर हुआ करती थी वो कहती थी ये सारी बातें आपने अपने कॉलम के अंदर लिखनी भी है कि आपने इस तरह से ये एंट्री निकाली है. जैसे मैं लिख रही हूँ, माइनस प्लस 6 / ये पूरी चीज क्या होगी, 0.1 - 0 - 0, तो वो आपको क्या दे देगा, ये 1.05 17. फिर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, -5.65014, माइनस आप इसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.89483, और डिवाइडेड बाय 0.3 - 0.2.
0.1 विच इज 0.2, तो आपके पास ये नेक्स्ट एंट्री ये वाली आ जाएगी, लिख लें प्लीज अपने पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये बुक का टॉपिक नहीं है ठीक है, तो इसलिए इसको साथ ही मेरे लिख लें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -5.17788, यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस, 5.65014, और होल डिवाइड किससे होगा, 0.6 माइनस 0.3, वो आपके पास आ जाएगा। देन -4.28172 माइनस 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 प्लस 5.17788 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, और आप यहाँ पे देखिए 0.1 0.3 0.6 1, ये जो डिफरेंस है बिटवीन 0.1 माइनस 0, बिटवीन 0.3 माइनस 0.1, 0.6 माइनस 0.3, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है, ये आपस में सेम नहीं है, ये वेरी आपके पास कर रहा है, डिफरेंट वैल्यूज इसकी आ रही है। सो हम क्या करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे जाएंगे। अब अगर आपको गिवन नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, आप लैग्रांज इंटरपोलेशन यूज करें या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज करें। लेकिन अगर गिवन है कि आपने कंस्ट्रक्ट पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4 फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपने इन पॉइंट्स के लिए करना है। अब मैंने यहाँ पे शुरू में आपको नहीं कहा कि आप इसके लिए टेबल की फॉर्म में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करें, तो आप इसको इंटरपोलेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि आप इसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करते हुए इसको सॉल्व करें, तो फिर आप जो है वो बाउंड हो जाएगी, फिर आपने उसी से करना है ठीक है। सो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू इस तरह से आएगी, सेकेंड वैल्यू बेटा किस तरह से आएगी, देखिए ये वाली, इसके आगे ही मैं लिख लेती हूँ, ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.1.2345 माइनस, यहाँ ऊपर क्या है, 1.0517 जी जी होल डिवाइडेड बाय मैम, ये जो आपने जैसे डेसिमल पॉइंट्स के बाद 5 डेसिमल पॉइंट्स तक लिए हुई हैं वैल्यूज, तो हमें भी ऐसे ही करना होगा? अमूमन मैंने पहले भी ये बात आपसे कही थी कि वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको रखना होता है, वैसे गिवन होता है कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप अपना कैलकुलेटर सेट कर लें। अगर गिवन है तो फिर आप उसको उसी उतना ही रखें, नहीं तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। This thing equal to 0.3 minus 0. ये फिर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए 0.3 अब आपको हेल्प कर रहा है, 0.3 एक छोड़ के 0, फिर क्या हो जाएगा 0.6 minus 0.1 अगली इसके लिए डिवीजन में आपके पास आएगा, एंड देन 1 minus 0.3 यहाँ पे इसके डिवीजन में आपके पास ये वैल्यू आएगी। देन वी हैव नेक्स्ट वैल्यू, वो आपके पास किस तरह से आएगी, देखिए 0.7015 माइनस 0.5725 होल डिवाइडेड बाय आपके पास होगी 0.6, अब 2 का डिफरेंस माइनस 0। फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू ये कैसे आई है, 0.9517 माइनस 0.7015 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, तो आपके पास ये 2 वैल्यूज आई, और फिर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1 माइनस 1230 आपके पास ये वैल्यू दे देगी, ये जो 0.063 आपके पास वैल्यू आई है। तो यू न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी टेबल के अंदर इन्वॉल्व होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी वो डिवाइड हो रहे होते हैं, फॉर अनइक्वल स्पेसिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब जब आपका एक दफा टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो उस टेबल पे बेस करके आप 2 फार्मूला लगा सकते। अच्छा, ये तो न्यूटन मैंने आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाया ना, नाउ व्हाट इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, फॉर फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस या बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, दोनों के लिए आप इसे यूज कर सकते, दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। फॉर फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, अब ये आपने जो एफ ऑफ एक्स मैंने दिया हुआ है ना, दैट इज वो पॉलीनोमियल जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के लिए, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स नॉट। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास कहाँ पे गिवन है, ये रहा आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट ठीक है। फिर साथ में आपने क्या लिखना है, ये फॉर्मूला है प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट इज गिवन टू यू विच इज 0 इन दिस केस, सो एक्स माइनस एक्स नॉट आपके पास इस एंट्री पे आ जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स वन एक्स नॉट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपका ये रहा
मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो डेट आपको पता चलेगी एंट्रीज में हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं. एफ ऑफ एक्स नॉट, ये लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विच इज ये क्या है आपके पास, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स नॉट, ये आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया. प्लस यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस x माइनस एक्स नॉट विच इज जीरो, x माइनस एक्स वन विच इज 0.1 इनटू सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास कहां पे है, ये रहा 0.5725, ये सेकंड आपके पास आ जाएगा. देन वी हैव थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड देन वी हैव फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस. ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज आएंगी. मैं नीचे इसको पुट करके दिखाती हूँ. ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स नॉट फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना था, एक्स माइनस एक्स नॉट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास आ जाएगा. वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह आप लिखेंगे माइनस सिक्स, देख ले माइनस सिक्स आ रहा है, एक्स नॉट आपके पास जीरो है, एक्स माइनस एक्स नॉट टेबल में देख ले एक्स नॉट इज जीरो, दो मैंने लिख लिया एक्स आ गया और प्लस 1.0517 इसकी जगह आपके पास आ जाएगा. प्लस एज इट इज एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट इज जीरो, तो एक्स एज इट इज एक्स माइनस एक्स वन इज 0.1, ये आपके पास 0.1 आ गया. और फिर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस जो कि आपके पास है 0.5725, ये देख ले आपके पास आ गया 0.5725 प्लस x minus x naught which is 0, x minus x1 which is 0.1, x minus x2 which is 0.3, ठीक है, plus third divided difference आपके पास ये 0.215, ये आपके पास आ गया, plus fourth divided difference which is x minus x naught, x minus x1, x minus x2, 0.063. तो आप यू क्या करेंगे, आपके पास एक polynomial fourth degree का construct होगा. कैसे, जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इनटू एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो आपके पास क्या होगा, एक फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा और फिर उसकी वैल्यू आप डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरपोलेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाए कि आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करें या बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करें, तो बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में फार्मूला बैकवर्ड वैल्यूज को सिर्फ ले रहा होता है, लाइक दिस, ये सिर्फ आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी बस. फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा बेटा, ये देख ले, न्यूटन फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड न्यूटन बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस. सबसे पहले आप ले लेंगे एफ ऑफ एक्स एन विच इज वन, हियर इन दिस केस ये आपका एक्स एन लास्ट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे साथ में देख ले है किधर गया है, हाँ यहाँ पे, अच्छा एफ ऑफ एक्स एन कहा है ना, ये x नॉट था, सॉरी सॉरी, ये यहाँ से ये तो x नॉट है ना, इसको तो एक्स एन, ये नहीं, ये आपके पास वैल्यूज है, ये इस तरह से. सो दिस इज माय एक्स एन, एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन एक्स नॉट तक, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट तक, रिवर्स ऑर्डर में आप चलेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स एन विच इज माइनस 4.28172 प्लस उससे पिछली वैल्यू 2.2404 इनटू x माइनस एक्स एन. अब x माइनस एक्स एन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाए, ये रहा x माइनस 2.2404 और x माइनस एक्स एन, एक्स एन इज यानी लास्ट पॉइंट विच इज वन इन दिस केस, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट प्लस, मैं यहां से दिखा देती हूँ, प्लस उससे अगली वैल्यू x माइनस, अब मीन बजाइए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, 0.9517 इनटू x माइनस 1 और साथ में x माइनस 0.6, फिर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस x माइनस 1 x माइनस 0.6 x माइनस 0.3 इनटू 0.278 प्लस x माइनस 1 x माइनस 0.6 x माइनस 0.3 x minus 0.1 into 0.063 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आएंगे. और फिर इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि अगेन आपके पास एक फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल आएगा. तो चाहे आप इसको बैकवर्ड
ये देखिए, ये आपके पास बैकवर्ड से करें या आप इसे फॉरवर्ड डिफरेंस से करें, आप दोनों तरह से टेबल सेम यही कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसी की वैल्यूज यूज करेंगे. अगेन ये आपके पास फाइनाइट डिफरेंस का नहीं बल्कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल है, ठीक है. फॉरवर्ड के केस में आपने वैल्यूज यूज करनी है इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी, और बैकवर्ड के केस में आपने ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही होती हैं आप इन्हीं को यूज कर रहे होते हैं, लाइक इस सेम डायरेक्शन में. जैसे अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, फॉरवर्ड के केस में आपके पास ये वैल्यू होगी ये रेड वाली, इस तरह से आपने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है. बट वही सेम फॉर्मूला अगर आप बैकवर्ड में कर रहे हैं तो x माइनस एक्स एन, पहले आपके पास x माइनस एक्स नॉट था, फिर उसके बाद आपके पास हो जाएगा x माइनस एक्स एन इंटू x माइनस एक्स एन माइनस वन नेक्स्ट, यानी और फिर अप टू सो ऑन, ऊपर तक आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जाना है. आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला है तो प्लीज बताएं. Any question? बिल्कुल खामोश. मैम आपने कहा था कि वो क्विज असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का, तो आपने कहा था कि मैं फ्राइडे करूंगी, तो मैम वो बता दें उस बारे में ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए. फिर दोबारा से बता देती हूँ, अभी मैं आपको ना अभी बैठ रही हूँ, 5:30 तक मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी रिलेटेड टू चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइनाइट डिफरेंस मेथड से. वो ग्रुप असाइनमेंट है, ग्रुप असाइनमेंट का मतलब ये है कि 1067 आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं? मैम 6 बच्चे हैं. तो वो जो असाइनमेंट आपके पास होगी वो आपने क्या करना है, वो आपने ये करना है कि वो असाइनमेंट का क्या करना है भला. हाँ, वो असाइनमेंट आपने प्रिपेयर करनी है, लाइक अटेम्प्ट करनी है, और उसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीक में लाइक फ्राइडे को दे रही हूँ तो वीकेंड कर लें आपकी मर्जी है, या फ्राइडे को ही देनी है तो भी आपकी मर्जी है, अप टू यू. वीकेंड करते हैं, ठीक है, सैटरडे कर लेते हैं. अब आपका क्या होगा कि आपने यही एमएस टीम पे मैंने क्लास अरेंज कर देनी है और उसको रख लूंगी मैं, बेशक प्रेजेंटेशन के लिए अलग से क्लास बना लेते हैं. उस क्लास में आपके क्लास ग्रुप के 6 जो भी बच्चे हैं उनसे जिससे मैं कहूंगी उसने वो असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करके हमें प्रेजेंट भी करनी है यहाँ क्लास के अंदर ही. अब डिपेंड करता है कि 6 के 6 से पूछ लूँ, डिपेंड करता है कि 3 से पूछ लूँ किसी भी ग्रुप के, बट अगेन मुझे वो टाइम कॉन्स्टेंट को देखते हुए ये चीज करनी पड़ेगी. लेकिन अगर उन 6 बच्चों में से कोई एक बच्चा भी सही से मुझे जवाब नहीं देता तो उस पूरे ग्रुप के मैंने 0 कर देने का नंबर नहीं दूँ, क्योंकि ये जो आपकी मैंने अभी क्विजेज और ये असाइनमेंट्स चेक की हैं उसमें मुझे साफ लग रहा है कॉपी वेस्ट है. ग्रुप का भी जो अफादियत है वो भी खत्म हो चुकी है. आप एक बच्चा काम करता है बाकी सारों के नाम लिख देता है, कर्टसी में वो बेचारा बोल भी नहीं सकता. तो पहले मैं बात खत्म कर लेती हूँ, पहले बात सुन लो ना, फिर क्योंकि चेंज तो इसमें आना कुछ है. तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका वो हर बच्चे ने लाइक प्रिपेयर करनी है, हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि इस असाइनमेंट के अंदर क्या हमने किया है, एक एक क्वेश्चन उसको आना चाहिए. फिर उससे अगले हफ्ते में सेम उसी टाइम पे इन्हीं दो चैप्टर्स का आपका क्विज हो जाएगा. मतलब मेरा ये है कि असाइनमेंट बी के साथ प्रिपेयर हो जाए आपका सिलेबस और जो असाइनमेंट से चीजें रह जाएंगी वो हम क्विज के साथ प्रिपेयर कर लेंगे. तो यूं दो चैप्टर हो गए आपके प्रिपेयर, फिर अगले एक चैप्टर का या दो चैप्टर का दे दूंगी सेकंड क्विज सेम इसी तरह से. एक असाइनमेंट जाएगी एक वीक के लिए और अगले वीक में लाइक आपको एक असाइनमेंट के बाद 2 वीक आपको मिलेंगे वो सब्जेक्ट वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए, फिर उसका क्विज हो जाएगा. एंड फिर थर्ड क्विज एंड असाइनमेंट इसी तरह से लाइक सेम कंटेंट जो आपको मैं दे रही हूँ वही चैप्टर्स, उन्हीं का क्विज, उन्हीं की असाइनमेंट, उन्हीं की प्रेजेंटेशन. तो तीनों चीजें हमारी कवर होती हैं. तो ये इस तरह से जाएगा. अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस की तरफ. जी जी मैम, अगर जो आप कह रही हैं कि हमारा वो प्रेजेंटेशन होगी तो मैम वो जो हमारे असाइनमेंट होगी उसी डोमेन में रह के होगी ना, यानी कि उसमें असाइनमेंट में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं आप उनके रिकॉर्डिंग आपने किया. हाँ जी बिल्कुल, वही जो कुछ मैं दूंगी ना बस आपने मुझे वही चीजें बना वही यहाँ पे सॉल्व करनी है कि उन्हें कैसे सॉल्व किया, ठीक है, उस पे आपको ग्रिप होनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है.
ठीक है, और फिर वो जो टॉपिक असाइनमेंट से हटके होंगे असाइनमेंट, और जो बाकी रह जाएंगे ना, वो फिर क्विज देने का ये मतलब है कि आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा आपके पेपर्स के लिए. तो इसका फायदा हम दोनों साइड से है. मुझे ये है कि जो एक स्टैंडर्ड मुझे मेंटेन रखना चाहिए अपनी क्लास के अंदर असाइनमेंट्स और क्विज को लेके, वो टारगेट मेरा अचीव हो जाएगा इस तरह से. और आप लोगों को ये फायदा है कि ठीक है, अभी आपको ये बहुत बुरा लग रहा होगा, बड़ा टफ लग रहा होगा, बट एट द एंड आपको ये फायदा है कि आपको पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, आपको न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं रहेगी. अभी जो आप थोड़ी बहुत टेंशन ले लेंगे साथ साथ, और फिर मैं आपको 2 वीक्स दे रही हूँ कोई भी टॉपिक का क्विज लेने से पहले, लाइक एक हफ्ता भी नहीं, दो दो हफ्ते आपको दे रही हूँ कि आपने ये चैप्टर या ये टॉपिक प्रिपेयर करना है. तो क्विज तक आपके पास मार्जिन है, और क्विज, प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट तीनों चीजें मेरी फुलफिल हो रही है, तो मुझे भी फायदा. मैम मैम बोलिए. एक्सक्यूज मी. अच्छा मैम, जी जी बताइए. यूजुअली हो रहा होता है कोई एक बंदा सारी असाइनमेंट नीट करके सबमिट करवा रहा होता है, तो अब उसका क्विज भी हो रहा है, वाइवा भी हो रहा है, तो इस चीज़ का तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, इट्स ओके. आप एक बंदा ही प्रेजेंट करें जिसकी राइटिंग यूजली अच्छी है, हम कोशिश करते हैं उसी से लिखवा लें. बट आपको पता तो हो ना बेटा, 0.51 में और 1.5 का डिफरेंस से कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेशन करेंगे फर्क तो पता हो, या कोई मैम एक को कॉपी पेस्ट करते हुए ध्यान तो देंगे क्या लिख रहे हैं, ये वाली मैम चीज. वो तो ऑब्वियसली जब वो क्विज भी होगा, वाइवा भी होगा, तो वो तो सबको क्लियर करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. तो ये चीज बस इसलिए है, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव किस तरह से होगा कि असाइनमेंट का जो जो पर्पस है वो तो एटलीस्ट अचीव होना, कि मैं जो आपको ग्रुप में काम भी इवन दे रही हूँ, तो जब आप ग्रुप में, आपने एक वो फिगर मैम वो इमेज बनाया था, आप देख लें कि वो ग्रुप टास्क अगर किया है तो वो ठीक है, लेकिन ये असाइनमेंट आप एक बच्चा करता है बस, और नहीं करता है. मैम जी एक बात बोलिए. और थी, आपने अगर हमारी प्रेजेंटेशन करनी है तो उसके भी मार्क्स होंगे ना? फिर अगर प्रेजेंटेशन ग्रुप मेंबर सही दे रहा है तो फिर सारे ग्रुप को मार्क्स भी मिलने चाहिए इस प्रेजेंटेशन के. अगर आपके सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही मुझे आंसर किए हैं, लाइक 6 लोग हैं, 6 के 6 ने मुझे बिल्कुल सही रिप्लाई किया है, और मुझे लगा है कि इन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, इनको पता है इन्होंने असाइनमेंट कैसे अटेम्प्ट किया है, जो चीज मैं इनसे पूछ रही हूँ मुझे उसके रिप्लाई मिल रहे हैं, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे. नंबरों की टेंशन ना लें, नंबर इस नहीं ना, आप असाइनमेंट के बार देंगे ना तो आप फिर प्रेजेंटेशन के अलग से भी तो रखें ना, अलग आपको से अलग कर, प्रेजेंटेशन भी ठीक तो है, दे अलग रहे से हैं. कर तो कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, वो भी कर दूंगी. मैं अगेन कह रही हूँ, न्यूमेरिकल में अगर आपके ग्रेड अच्छे नहीं आते ना, तो आपकी अपनी बदकिस्मती होगी. मेरी, मैं आगे नंबर काटने के लिए यहाँ मैं नहीं बैठी हुई ना, मैं काटती हूँ, मेरे जहन में ये चीजें नहीं आती, लेकिन लेने वाले तो बनो. मैं आपको प्रेजेंटेशन के अलग कर दूंगी, असाइनमेंट के अलग दे दूंगी, असाइनमेंट जो आप अपलोड करेंगे फेस पे कर दूंगी. ठीक है. मैम जिस दिन ये प्रेजेंटेशन वगैरह होंगी उस दिन मैम सारी क्लास आएगी या पर्टिकुलर आप ग्रुप बुलाएंगी कि? शुरू में बेहतर है सब आ जाओ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे, फिर पर्टिकुलर ग्रुप साथ में, शुरू मैम में बेहतर है. ऐसे अगर आप किसी ग्रुप से नहीं लेना चाह रही होंगी तो उस ग्रुप का तो काफी सारा टाइम वेस्ट होगा ना, कि वो बस ही बैठे रहेंगे. ठीक है, हम यू कर लेंगे, सिर्फ ग्रुप्स जिन्होंने देनी है बस वो आ जाए, इट्स ओके. अभी मैं असल में इस पे भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, इसलिए भी थोड़ी सी डिले हुई थी ये, मैंने ट्रायल बेस पे फर्स्ट टाइम ही ये काम सोचा है और कर रही हूँ. इसमें मैं सोचूं एक असाइनमेंट दूं ही ना, ना 3 डिफरेंट सेट दे दूं ग्रुप्स को, तो उसमें भी ये होता है कि आपके काफी सारे क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप इकट्ठे कर लें तो आपके पास समझे पूरे पूरे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे. मसलन मैं कुछ स्टूडेंट्स को देती हूँ कुछ पार्ट क्वेश्चंस के, कुछ दे देती हूँ, मतलब टॉपिक सेम रख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन वेरी कर लेते हैं, तीन तीन सेट बना लेते हैं, इस तरह करके असाइनमेंट दे दूं, तो आपके पास एट देखे ना एट द एंड जो आपने प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपके पास एक सोल्यूशन फॉर्म भी कंप्लीट पड़ा हुआ होगा, 3 ग्रुप से भी अगर आपके पास आ रहा है. तो इस पे मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रही हूँ कि क्या करूँ, पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सिंपल रहने दूँ, फर्स्ट ट्रायल बेस पे देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, अगर ये ठीक वर्क करेगा तो नेक्स्ट में मैं 3 सेट दे दूंगी. अभी मेरा फर्स्ट असाइनमेंट में मेरी कोशिश है कि एज इट इज जाने दूँ, फिर नेक्स्ट से मैं इसको 3 सेट कर लूँ, और जैसे जैसे फिर इम्प्रूवमेंट इसमें होती जाएगी, जैसे जैसे मिल गई कोई इनपुट आपकी भी लूंगी अपनी भी डाल के फिर हम कर लेंगे. ठीक है, अभी मेरा ये के ही सेट जाने दूँ, इन फ्यूचर मेरा 2-3 सेट पे इरादा है किताब. एनी अदर क्वेश्चन? मैम ये स्टार्ट कब से हो रही है, मैं वो सुन नहीं नेक्स्ट वीक सका. से ही, नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो रही है. अभी घंटे 1.5 में मैं आपकी फर्स्ट इससे रिलेटेड ये जो पहली असाइनमेंट है ये अपलोड कर देती हूँ, जो 1 वीक की है, ग्रुप असाइनमेंट है. नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह हम इसकी प्रेजेंटेशन ले लेंगे, और उससे अगले सैटरडे को इसी का क्विज ले लेंगे. तो आप देखें 2 हफ्तों में आप बहुत आराम से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हैं. ठीक है.
लेकिन प्रिपेयर सबने करनी है। अगर कोई एक बच्चा भी इसलिए अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करे, अगर वो कहता है ना मैं नहीं कर सकता, मेरी लाइट चली गई है, मैंने इमरजेंसी कहीं किसी मरीज को देखने जाना है, मेरी फलां के घर में शादी हो रही है, तो ये वाले सारे बहाने से रोकेंगे, तुम्हारी इन सारे कामों की वजह से हम लोगों के नंबर भी जा रहे हैं, तो प्लीज इधर तवज्जो दो, क्योंकि ये सारी बहाने बहाने जो है ना, ये सारे के सारे ये वक्ती होते हैं, बाद में ये चीजें काम नहीं आती। 1071 ने हैंड रेस किया हुआ है। जी बच्चे पूछें। मैम ये आप फ्राइडे को ही ले लें, क्योंकि फ्राइडे को आपकी क्लास के बाद तो क्लास नहीं होती। अगर बिल्कुल ठीक है, आप आपस में डिसाइड कर लें, मुझे दे दें फ्राइडे, दे दें सैटरडे, दे नो प्रॉब्लम, आप तक है जिस तरह आपको ठीक। मैम वीकेंड्स पे ना करें मैम, ये बात ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वीकेंड पे नहीं करते, फ्राइडे को कर लिया करेंगे, ठीक है। आपको फायदा ये है कि आप पहले से टाइम डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आप वाला टाइम जो है बाकी दो क्लासेस को नहीं दूंगी, उन्होंने अभी तक मुझसे टाइम पे बात नहीं की, तो इसलिए फिर वो उनको वीकेंड पे ना हो, शिफ्ट ना करना। मैम लेक्चर के बाद ही कर लिया करें आप, लेक्चर में बता दीजिएगा कि ये ग्रुप रुक जाए और बाकी चले जाए, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर वो जो रुके हुए ग्रुप है वो कब देंगे, उनको भी तो सैटरडे पे जाना ही पड़ेगा। मैम वैसे भी टाइम दे दे भी आ रहा है, तो मैम ये जो चार के बाद देख ले, मुश्किल हो जाएगी, मतलब रमजान कर लेंगे कुछ ना कुछ तो मैनेज। आप मुझे कोई सलूशन निकाल के दें टाइमिंग्स का, अपना टाइम एडजस्ट करें, और मैं असल में देखें फायदा दोनों का है, आपका भी है मेरा भी। मैं फॉर एग्जांपल छोड़ देती हूँ, ट्रेंड तो चल रहा है ना, जैसे एज इट इज हमारी असाइनमेंट चल रही है, मुझे किसी ने पूछना तो नहीं है बुला के ये बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ था। आप खुद सोचे ना इस बारे में कि टीचर को इसका क्या फायदा है करवाने का, मेरा तो उल्टा वीकेंड ऑक्यूपाई हो गया, और आपकी सिर्फ एक क्लास नहीं है, दो क्लासेस और हैं, तीन क्लासेस हैं, लेकिन स्टिल मैं चाह रही हूँ अगर मैं। मैम ठीक कह रही हैं आप, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा सोचें, निकालें टाइम, इसका कोई सलूशन निकालें। मुश्किल लग रहा है, लेकिन यकीन करें आपको दुआएं दोगे जब एंड में न्यूमेरिकल बहुत इजीली बड़े आराम से स्मूथली हो जाएगा, तो ठीक है। और इसी बहाने सोचें मैम, वो फिर हम आपको ना मैम अब आपको सीरियर बता देंगे कि क्या सीन सिनेरियो है और कब टाइम है वगैरह ना। बिल्कुल सही है, टाइमिंग्स आप कर लें एडजस्ट, मैं अपना टाइम टेबल सीआर से शेयर कर लूंगी जब वो मुझे बताएगा कि ये दिन मेरी पूरे वीक में ऑलमोस्ट क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस वाले टाइम के अलावा मैं फ्री होती हूँ। एक हमारा सेमिनार चलता है वेनसडे को 4 से 6, उसके अलावा मैं बाकी टाइम में फ्री हूँ, ऐसा मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा मैं एडजस्ट करूँ, जितनी मुझसे पॉसिबल आपके साथ रिलैक्सेशन होगी टाइमिंग्स को लेके मैं करूँगी। खुद देखें आपका तो इतना ऐसा नहीं है, मेरा देखो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है, लाइक फिर भी मैं वीकेंड अगर मुझे लगा कि बच्चों का वीक डे मेरे जहन में था कि ऑक्यूपाइड होता है क्लासेस के साथ, असाइनमेंट बाकी सब्जेक्ट्स भी हो रही होती हैं, तो मुझे बीच में ये नहीं रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि नहीं वीक डेज नहीं करें, हालांकि मुझे वीक डेज का फायदा जाती तौर पे वीकेंड मेरा ऑक्यूपाई होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन छोटी सी होगी ना, कोई हैवी किस्म की तो नहीं होगी। नहीं कोई भी नहीं, जो आपने असाइनमेंट बनाई है ना इसी को यहाँ पे शेयर करोगे, इसी में से मैं समझे वाइवा ले रही हूँ, प्रेजेंटेशन क्या है बस वाइवा है आपका, साथ साथ वो हो जाएगा, ठीक है ना, उस तरह से नहीं है सच। अभी आप आएगी ना तो आप देख लीजिएगा, मतलब पर्पज मेरा क्या है कि 6 बच्चे हैं तो 6 के 6 को पता हो उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्हें पता हो टॉपिक के बारे में कि इसमें ये कर रहे थे, इसमें ये करना होता है, या अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे, यानी समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल असाइनमेंट जा रही है और हम ब्लैंक है, हमें पता ही नहीं है। बस ऐसा भी हुआ है इन मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड भी मैंने देखा है, एक बच्चे के नाम ना 2 ग्रुप 3 में आए हुए हैं, और फिर एंड में किस बात पे लड़ा होता है, मैडम एक ग्रुप में मेरे 7 नंबर आए हैं, एक में मेरे 8 नंबर आए हैं, तो 8 वाले को कंसिडर कर ले, और भाई तुमने 2 ग्रुप में नाम किसको, मतलब उसको ये पता ही नहीं है चल क्या रहा है उस एक ग्रुप को भी क्या मैं वो अच्छा स्टूडेंट होगा, नहीं वो बहुत सोशल होगा क्लास में, सबसे दोस्ती है, ऐसा कई दफा हुआ है मेरे साथ, और वो मैं यूजली वही बच्चा होता है जो क्लास में बहुत सोशल होता है, और वो उसके नाम 2-2 जगह पे आ रहे हैं, मतलब इधर भी करवा दिया फिर वहां से खत्म नहीं करवाया, दूसरे ग्रुप को भी कहा उन्होंने भी डाल लिया भाईचारा, तो ये भी हुआ है, इसलिए एटलीस्ट पता तो हो क्या लिखा है क्या किया। ठीक है चलें जी, काफी बात होगी मैम, अटेंडेंस ले ली जी, जी ले ली, ओके जी बच्चे अल्लाह हाफिज। मैम ये जो आपने असाइनमेंट चेक कर ली रिटर्न करने काइंडली फिर। जी जी बिल्कुल करती हूँ, ये इसी में कह रही हूँ इकट्ठी सारी रिटर्न करूँ ना, आगे पीछे आपको मतलब मिले तो उसमें मेरी कंबाइंड हो जाएगी, चले एरर एनालिसिस वाली में फिर उसको रिलीज करती हूँ, ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़।